दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और राहुल त्रिपाठी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल ने तो धमाका किया ही, उनके साथ साथ त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर आज न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। कैसी रही इन तीनों की परफॉर्मेंस, कैसे हमें सीधा 200 तक खींचते हुए ले गए ये तीनों खिलाड़ी, आपको इनकी बैटिंग का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गिल पांड्या सूर्या में सबसे बेहतर कौन है आज के टाइम में, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान में आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेली जा रही तीन मैचों की T20 सीरीज का डिसाइडर मुकाबला शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों के इस सीरीज में एक बाजी न्यूजीलैंड के नाम रही तो दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज करके एक जबरदस्त कमबैक भी किया। लेकिन दोस्तों अब बात है सीरीज के तीसरे मुकाबले की। आपको बताएं दोस्तों कि ये मुकाबला एक बेहद ही खास स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और दोस्तों खास तौर पर इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट के देवता यानी के सचिन तेंदुलकर मैदान में पधारे हैं और अंडर 19 की वो पूरी टीम जो महिला टीम अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीतकर हमारा नाम रोशन करके आई है वह भी मैदान में मौजूद है। दोस्तों जैसे ही मैदान में सभी खिलाड़ी आते हैं तो हमारे कप्तान पांड्या की किस्मत इस बार जाग उठती है, वो टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हैं। लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी में शुरुआत हर बार तो वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहेंगे। दोहरी शतकीय ईशान किशन की पारियां देखने के लिए हर कोई तरस गया है, लेकिन ईशान किशन का बल्ला मानो सुस्त हो चुका है और इस बार भी कुछ ऐसा ही वो कर गए जिसके चलते उन्हें ढेर सारी बदनामी मिली है। मात्र एक रन पर दोस्तों ईशान किशन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो चुके थे। अब दोस्तों सबको लगने लगा कि पावर प्ले तो खराब हो ही जाएगा भले ही बाद में रन बन जाएं, लेकिन पावर प्ले में अगर गिल है तो यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम रेडी टू किल है। 200 गिल पावर आज फिर से मैदान में नजर आई और ऐसे चौके व छक्के नजर आए फिर तो त्रिपाठी के साथ मिलकर उन्होंने जो मैदान में लगाए कि देखकर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों की हवाइयां सी उड़ गई थी। और दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में ब्रिसवेल को चौका चढ़कर शुभमन गिल ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। और फिर तो दोस्तों गिल ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले ही ओवर में फर्ग्यूसन को भी पूरी तरीके से पीट कर रख दिया। दोस्तों दो बैक टू बैक चौके लगाकर गिल ने ऐलान कर दिया था कि मैदान में आज कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और वही हुआ जिसका न्यूजीलैंड की टीम को डर था। दोस्तों पांचवें ओवर में अब जब टिकनर सामने आते हैं शुभमन गिल ने तो दोस्तों शुभमन गिल टिकनर को ही बैक टू बैक तीन चौके जड़कर इस एक अकेले ओवर से हमें पूरे 14 रन दिलाते हैं। और दोस्तों गिल पावर को देखकर तो आज तो राहुल त्रिपाठी के भी बंजर बल्ले में जान सी आ गई मान, क्योंकि अगले ही ओवर में दोस्तों उन्होंने वो कर दिया जो पूरी सीरीज में वो ना कर पाए। उन्होंने दोस्तों फर्ग्यूसन को पहले चौका लगाया फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ से एक शानदार छक्का जड़कर ये बता दिया कि केवल एक ही नहीं बल्कि दो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और एक जबरदस्त पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। और फिर दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों ऐसा ही कुछ वक्त के राहुल त्रिपाठी ने पारी के आठवें ओवर में भी किया जब उन्होंने सेंटर को चौका और छक्का लगाया। और दोस्तों यकीन मानिए जिस टीम के दूसरे ओवर में एक विकेट गिर जाए वो अगर 8 ओवर में 81 रन के पार पहुंच जाए तो समझ जाइएगा बल्लेबाज कितने खूंखार हैं। जहां दोस्तों राहुल त्रिपाठी ने 4 चौके और 3 छक्के जड़कर 21 गेंदों में 41 रन जड़ दिए थे तो उधर शुभमन गिल कौन सा पीछे थे। 25 गेंदों के अंदर दोस्तों इस धुआंधार बैट्समैन ने 6 चौके जड़कर 40 रन बना दिए थे और दोस्तों दोनों ही भारत को ले जा रहे थे 100 के पार 10 ओवर के अंदर। दोस्तों दोनों की बैटिंग ने आज वाकई में 4 चांद लगा दिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केवल त्रिपाठी और गिल नहीं उनके साथ साथ तो सूर्य कुमार यादव भी आज आकर भारत का सूर्य उदय करा गए अहमदाबाद में। 11 गेंदों के अंदर 163 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का और 1 चौके के साथ ये खिलाड़ी भी दोस्तों 18 रन पर कब में कब पहुंच गया किसी को पता नहीं चला। और दोस्तों गिल और सूर्य ने ही मिलकर फिर आगे चलकर भारत की कड़ी से कड़ी को जोड़ा और 150 के पार कब में कब पहुंचा दिया, किसी को भनक नहीं लगी। गिल के 50 पूरे होने के बाद दोस्तों सूर्य भी बड़ी तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते चले गए और ले गए भारत को 200 की तरफ। लेकिन दोस्तों आप सभी आज सूर्य त्रिपाठी और गिल की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।